तो लगातार ज्ञानव्यापी पे हमारी महाकवरेज जारी है और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एसआई टीम ने ज्ञानव्यापी में सर्वे रोका है। लंच ब्रेक चल रहा है, जुमे की नमाज पढ़ी जा रखी है और इसी वजह से अभी फिलहाल सर्वे को रोक दिया गया है। नमाज के बाद एक बार फिर से सर्वे शुरू हो जाएगा, यानी कि 2 बजे के बाद लगभग 2:30 बजे एक बार फिर से दोबारा से सर्वे शुरू किया जाना है। कुल मिलाकर सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू हुआ, शाम के 7 बजे तक सर्वे चलेगा क्योंकि आज जुमे की नमाज पढ़ी जानी है। इसी को लेकर ज्ञानव्यापी के अंदर नमाज पढ़ी जा रही है और फिलहाल एएसआई की टीम का ब्रेक है। 4 टीमें अलग अलग अपना काम कर रही है। सबसे पहले पश्चिमी दीवार का सर्वे शुरू हुआ और अब एक बार फिर से सर्वे होगा 2:30 बजे के लगभग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार डटे हुए हैं पल पल की अपडेट के साथ, लेकिन जानकारी यही मिल रही है कि फिलहाल सर्वे को रोक दिया गया है क्योंकि अंदर जुमे की नमाज चल रही है ज्ञानव्यापी के भीतर और उसके बाद लगभग 2:30 बजे के करीब सर्वे दोबारा से शुरू हो जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया, मुस्लिम पक्ष सुबह सुबह नहीं पहुंचा और 7 बजे से पहले ही हिंदू पक्ष के वादी वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख जरूर कर लिया है मुस्लिम पक्ष ने। आज उस मसले पर भी सुनवाई होगी, उस पर भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये जानकारी दे दे कि सर्वे रोक दिया गया है कुछ टाइम के लिए। वाराणसी से रामगोपाल द्विवेदी लगातार बने हुए हैं, ज्ञानव्यापी से अंशिका पाठक लगातार बनी हुई हैं, राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अंशिका पाठक के पास सबसे पहले चलेंगे, ज्ञानव्यापी से जुड़ी हैं अंशिका। क्या अपडेट आपके पास अंशिका? अभी थोड़ी ही देर पहले आपने सुना सुभाष रंजन को, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, और उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि लगातार जो टीम है एएसआई की जो टीम है वो अपना सर्वे कर रही है और एक एक चीज हम बारीकी से देख रहे हैं, कहीं खुदाई नहीं हो रही है, कहीं कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, जो सिस्टम तय किया गया है जीपीआर सिस्टम, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग जो रडार तकनीक है उसी के आधार पर सर्वे किया जा रहा है। हालांकि अभी क्योंकि ब्रेक है तो कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, ब्रेक के बाद में एक बार फिर से अगर सर्वे आगे आएंगे तो आगे और भी चीजें हम कह पाएंगे, ये सुभाष रंजन कहते हुए नजर आए। नलिनी, बिल्कुल आपके पीछे किस तरह की हलचल नजर आ रही है, जरा बताइए क्या माहौल वहां पर नजर आ रहा है फिलहाल? आपके पास लौटेंगे रामगोपाल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, ठीक है, आपके पास लौटेंगे रामगोपाल। फिलहाल क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि जुमे की नमाज पढ़ी जानी है, 2:30 बजे से एक बार फिर से सर्वे शुरू हो जाएगा, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, इस वक्त जो मस्जिद का एरिया है वहां पे मुस्लिम समुदाय के लोगों का जुटना शुरू हो गया है और करीब 1 बजे से उसके अंदर वहां पे जो तकरीर है वो तकरीर शुरू हो जाएगी और तकरीर करीब 50 मिनट तक चलेगी। आज का तकरीर इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद से आज जो है सर्वे का काम शुरू हो गया है और वहीं दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, तो तकरीर के दौरान ये भी नजर रखा जाएगा, वहां मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग हैं उनकी ये नजर रहेगी कि जो है किस तरीके का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है या आगे की क्या कुछ बात हो सकती है। हालांकि पुलिस प्रशासन की भी नजर उनकी तकरीर पर बनी हुई है, जिससे ऐसा कोई बात वहां से ना निकल के सामने आए जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े, किससे कोई बात बिगड़े, तो पुलिस प्रशासन भी वहां पे सख्त है, पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल जांच करके ही अंदर जाने दे रही है, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चला है। लेकिन तकरीर का जो 1 बजे से लेकर 1 बजे के 50 मिनट तक का, करीब 50 मिनट का जो तकरीर का वक्त है वो बेहद क्रूशियल है और उस पर सभी की नजर लगी हुई है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो वही दूसरी तरफ या इसकी सुनवाई है, जरूर दर्शकों तक पहुंचाएगा क्योंकि 2:30 बजे के बाद लगभग एक बार फिर से सर्वे शुरू हो जाएगा। फिलहाल अंदर ज्ञानव्यापी के भीतर जुमे की नमाज पढ़ी जा रही है, लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से सर्वे शुरू हो जाएगा। हर